लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की एक और सूची जारी हुई है, यानी कि दूसरी सूची आ गई है, लेकिन राजस्थान से किसी का नाम नहीं है। परंतु आज का विश्लेषण हम इसी सूची से करेंगे। एक नाम बड़ा चौंकाने वाला आया है और उस पर बात करनी बनती है। नाम थोड़ा सा लंबा है, यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराजा वाडियार, मैसूर के पूर्व राज परिवार के मुखिया हैं ये, और कनेक्शन बैठता है राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह देश के गृह मंत्री, यह जो तिकड़ी है, ऐसी चाल चलती है कि कई बार चाल जो है वो सामने वाले की समझ में नहीं आती। लेकिन कर्नाटक की मैसूर सीट पर दिया गया एक टिकट डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कुछ समीकरण बिठा रहा है। क्या वो समीकरण है, आज उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। दूसरी सूची में यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराजा वाडियार को मैसूर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां लगातार दो बार से सांसद थे प्रताप सिम्हा भाजपा के। अब जो विधानसभा चुनाव 2023 में मैसूर में हुए थे, या इस लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से सिर्फ चामराजा सीट पे ही भाजपा जीत सकी है। 2 सीटें यहां जेडीएस ले गई और बाकी पे कांग्रेस प्रभावी हो गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। बीजेपी को लगता है कि सीट गंवा सकती है भाजपा, तो यहां से जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए गए हैं यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराजा वाडियार, इनसे पूर्व जो महाराजा थे, यानी कि यदुवीर जो है वो गोद आए हैं और वो निसंतान थे, लेकिन वो सांसद रहे थे यहाँ से, और 2 बार से ये सीट जो है ये दी जा रही थी प्रताप सिम्हा को। प्रताप सिम्हा जिन्होंने पत्रकार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे किताब लिखी थी, और इसी के चलते भाजपा में युवा मोर्चा में भी बाद में सक्रिय रहे हैं, और उन्हें सांसदी का टिकट दिया गया था। 2 बार से सांसद है, 50 साल की उम्र के युवा हैं, लेकिन उनका टिकट काट के अब इनको दिया गया है। वही लंबा राम मैंने जैसा बताया कि यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराजा वाडियार, वाडियार डायनेस्टी जो है, वाडियार जो इस्टवाल रॉयल फैमिली हैं उसके प्रमुख हैं, और इनका कनेक्शन बैठता है डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पे। कैसे बैठता है बताते हैं आपको। डूंगरपुर के पूर्व महाराजा यानी कि हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर की बेटी का विवाह इनके साथ हुआ है, यानी कि वो मैसूर की पूर्व महारानी हैं, रॉयल परिवार की पूर्व महारानी हैं वहाँ की। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में 1 लाख राजपूत वोटर्स पे सीधा सा निगाह निशाना, और साथ ही मेवाड़ में एक मैसेज देना, बागड़ और मेवाड़ दोनों जगह कि हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर जो कि पिछले टर्म में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे भाजपा के टिकट पे, उनके दामाद यदुवीर को सांसद का प्रत्याशी बनाए जाने से अब यहाँ के जो पूर्व रॉयल रजवाड़े रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा के लिए काम किया जाए। मसलन कोशिश शुरू हुई यहाँ भाजपा के खिलाफ झंडा बुलंद करके, जनता सेना बनाने वाले जो वल्लभ नगर सीट से पहले विधायक रह चुके हैं रणधीर सिंह भिंडर, उनको भाजपा में लाने की रही हो, या उससे पहले उदयपुर के जो पूर्व महाराणा हैं उनके बेटे विश्वराज सिंह को भाजपा से विधायक बनाया जाना रहा हो, मोदी परिवार का हिस्सा बनाया जाना रहा हो, जैसा कि हम उनके ट्विटर हैंडल पे देखते हैं आजकल। और इसी तरीके से यह जो टिकट दिया गया है, इसमें कर्नाटक में तो भाजपा को सीधे तौर पर फायदा हो ही सकता है कि वहाँ एक अलग तरह का माहौल इस परिवार को लेके हैं, और इनसे इनके पूर्वज लगातार सांसद रहे, 3-4 बार सांसद रहे हैं, और ये खुद जो है अब युवा हैं, और इनका विवाह जो है वो डूंगरपुर के पूर्व राज परिवार में हुआ है। तो मौजूदा जो डूंगरपुर के पूर्व महाराजा हैं हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, उनकी बेटी। तो यह समीकरण जो है ये खास करके वागड़ और मेवाड़ के राजपूतों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन सिंह का जो प्रभाव है, चाहे वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हो, तो टिकट के लिए जो कोशिश हुई है इसमें सीधे तौर पे लगता है कि कर्नाटक में ये जो टिकट मिला है इसमें राजस्थान के राजनीति में सक्रिय रहे राज्यसभा सांसद के बतौर हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर की बड़ी भूमिका रही है, और उस भूमिका के बदले वो भाजपा को यहाँ इस सीट पे कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ स्थिति थोड़ी अब अलग है। जैसा हम पहले जिक्र कर चुके, डूंगरपुर बांसवाड़ा में यहाँ के जो
मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काटा गया है, यहाँ कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालविया को टिकट दिया गया है। अब कांग्रेस के वोटर सीधे तौर पे मालविया के जो इन्फ्लुएंस में हैं वो भाजपा की ओर आएंगे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजकुमार रोत जो कि 84 के विधायक हैं उनको मैदान में उतार ही दिया है। कांग्रेस अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करती है और अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो फिर ये सीट जो है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ कमजोर है। यहाँ ये तय लगभग माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ से फिलहाल जीत नहीं रही, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी अगर पिछली बार की तरह जिस तरीके से पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में भाजपा और आरएलपी के गठबंधन ने 25 की 25 सीटें कांग्रेस से छीन ली थी, ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा पे एक उम्मीद थी कि यह सीट जो है वो कांग्रेस कब्जाएगी, लेकिन बीटीपी यहाँ उसी तरह निर्दलीय मतलब तीसरे प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुई 2019 के चुनाव में। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा गजब का इलाका है, 30-35 हज़ार वोट तो ये नोटा को ही डाल देते हैं। तो यहाँ अंतर वाला जो खेल है, जैसे कि धन सिंह रावत जो पहली बार भाजपा को यहाँ सांसद की सीट दिलाते हैं वो बहुत कम यानी 20 हज़ार के अंतर से जीते थे, और उस वक्त भी जनता दल का प्रभाव था, जनता दल के जो नेता हैं वो खासा वोट ले गए, 70-80 हज़ार वोट ले गए, निर्दलीय ले गए मार्जिनल वोट से ज़्यादा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े होते रहे हैं, बसपा खड़ी होती है। तो यह 2004 में जो समीकरण बने, फिर 2009 में यहाँ कांग्रेस जो है वो जीती, 14 में रेशम मालविया यानी इन्हीं महेंद्र सिंह मालविया की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा गया पर वो चुनाव नहीं जीत सकी। तो यह पिछला चुनाव अगर देखें 2019 वाला तो कनकपल कटारा सांसद बने, ताराचंद भगोरा उनके सामने थे, और स्थिति ये बनी कि बीटीपी के जो प्रत्याशी हैं वो बागी हो गए, 2.5 लाख के आसपास वोट ले गए और 3 लाख से अंतर रहा, नोटा को पड़ गए 30-40 हज़ार वोट। तो वहाँ अगर बीटीपी में या अब जो भारत आदिवासी पार्टी जिसका 7 सीटों पर सीधा प्रभाव नजर आता है, 8वीं सीट पर प्रभाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखें तो 5 लाख के आसपास वोट पार्टी ले गई है, भाजपा 5.25 लाख के आसपास वोट पाती है, कांग्रेस के वोट ज़्यादा है, विधायक भी ज्यादा हैं, परंतु कांग्रेस के विधायक डर रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी आई, खासकर के राजकुमार रोत जिन्होंने विधानसभा में आदिवासियों के हक और हकूक का मुद्दा उठाते हुए इतना प्रभावी जो है वो अपने मुद्दों को सदन में रखा है, तो उमेश मीणा नए विधायक हैं, तो वो अगर टक्कर देते हैं और कांग्रेस सपोर्ट करती है तो कांग्रेस का मूल वोट बैंक यानी कि फिर उनके विधायक जीतने की स्थिति भी नहीं रहेगी, ये वागड़ पूरा कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। वागड़ जहां अलग भील प्रदेश बनाने की मांग को लेके यह पार्टी का गठन होता है, बीटीपी जो है वो पिछली बार 2 विधायक थे उनके गुजरात में प्रभाव था लेकिन अब खत्म हो चुकी है, लगभग भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में बन गई, कई सीटों पे बेहतर परफॉर्म किया जिसमें आबूरोड पिंडवाड़ा तक उनका प्रभाव रहा, डूंगरपुर सवाईमाधोपुर टोंक तक ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम उतरेंगे, और उतरेंगे तो उसका फायदा सीधा बीजेपी को नजर आता है, और वो भी तब जबकि अब राजपूत वोट बैंक जो है वो जो कि हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का प्रभाव है उस सीट पे अगर एक तरफ जाता है सीधा भाजपा के पक्ष में जाता है तो स्थिति थोड़ी सी अलग होती, क्योंकि भाजपा इस बार राम के मुद्दे को लेकर चल रही है, यहाँ वनवासी कल्याण परिषद में लंबे समय तक काम कर चुके कनकमल कटारा का टिकट कटा है महेंद्रजीत मालवीय के कारण, लेकिन कनकमल कटारा पार्टी लाइन से इतर जाने वाले नहीं है, बागी होने वाले नहीं है जैसा नजर आता है, लेकिन अगर यह स्थिति बनती है कि कांग्रेस मौका दे देती है तो वो अपना मूल वोट बैंक यानी कि विधानसभा चुनावों का जो मामला है वो खो देगी हमेशा के लिए, उसे ये डर है, उसके जीते हुए विधायकों को ये डर है, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं ये बात अलग तरीके की है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा जहाँ का एक अलग स्वैग रहा है, भाजपा यहाँ लगातार 2014-2019 दोनों चुनाव जीती हैं, 14 वाला चुनाव मैंने बताया त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो गया, 20 हज़ार का अंतर रहा, निनामा जब सांसद बने थे 14 में उस समय अलग स्थिति थी, भाजपा की यहाँ 163 विधानसभा सीटें थी, वसुंधरा राजे का एक प्रभाव था, आदिवासी वोट बैंक में उनकी गजब की पकड़ थी, लेकिन अदर देन आदिवासी फिलहाल राजस्थान में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो वसुंधरा राजे जो कि मौन है कि वो एसटी यानी ट्राइबल और उस वागड़ बेल्ट में अपनी पकड़ रख सके, वो चाहे त्रिपुरा सुंदरी के बहाने से या चाहे उनमें उनकी वेशभूषा के माध्यम से उनसे बातचीत करके उनके मुद्दों को सीख समझ देने लेने की जो है वो दृश्य दिखा करके वसुंधरा राजे ने जो उनके लिए कोशिश की या उन्हें कोशिश करते हुए दिखाया
उससे वोट भाजपा और कांग्रेस की टक्कर रही 2014 में। लेकिन भाजपा इसी तरह के इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं। 2004 में धन सिंह रावत थोड़ा नॉर्मल वोटों से जीते, 9 में हार गए भाजपा यहाँ से चुनाव, फिर 14 में जीती, फिर 19 में जीती, 24 में होगा क्या ये सवाल है। लेकिन इस तरह की कोशिशें जो है वो ये तिकड़ी मोदी नड्डा और शाह की ये चल रही हैं। इसका क्या आउटकम आएगा, आपको क्या लगता है कि राम रथ पे सवार होके भाजपा चल रही है, रामायण के पात्रों के नाम पे आदिवासी इलाकों के टापू पे नाम रखे जाने पे राजकुमार राउत विरोध कर चुके हैं, ऐसे में मुकाबला इस सीट पे बड़ा रोचक होने वाला है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बीजेपी का यह जो स्ट्रोक है इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, हमें अपडेट ज़रूर करें। धन्यवाद।